हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखिए ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रजेंट होता है वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है इस वजह से ईथर्स रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं और इनका यूज ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट किया जाता है अब बात करते हैं इनके एसिडिक कैरेक्टर या एक्शन ऑफ बेसिस की तो देखिए एल्कोहल्स की बात करें तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं लेकिन ईथर्स एल्कोहल की तरह ऑर्डिनरी कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं लेकिन अगर इनकी रिएक्शन स्ट्रांग कार्ब एनाइनिक बेसिस जैसे मिथाइल लिथियम के साथ करवाई जाती हैं तो उस केस में क्लीवेज रिएक्शन होती हैं या बीटा एलिमिनेशन होता है और ईथर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं देखिए जब मिथाइल लिथियम की रिएक्शन डाई इथाइल ईथर के साथ होती है तो मिथेन इथिन और इथोक्सी लिथियम का फॉर्मेशन होता है फिर बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की तो देखिए ईथर का जो ईथरल ऑक्सीजन एटम होता है उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट होते हैं और इसी वजह से ईथर्स वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं और जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो अनस्टेबल ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है देखिए जब ईथर की रिएक्शन एच के साथ होती है तो डाई एल्काइल ऑग्जोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है अब इसमें पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ एलोजन एसिड्स की तो देखिए जब डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होती है तो इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है अब अगर हम एक्सेस एच का यूज करते हैं तो ये जो इथेनॉल बनता है वो एच के साथ रिएक्शन करके फर्दर इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है अब इस रिएक्शन में हेलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की तो ये एक तरह की एसिड कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती हैं इसमें पहले स्टेप में जब इथर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ऑक्जोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है फिर सेकेंड स्टेप में हेलाइड आयन ऑक्जोनियम आयन पर अटैक करता है और एस एन टू रिएक्शन होती है और उससे एल्काइल आयोडाइड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है अब देखिए ये रिएक्शन एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड होती है तो इसका एविडेंस क्या होगा तो बात करते हैं इसके एविडेंस की तो देखिए अगर इस रिएक्शन में हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स का यूज करते हैं तो उस केस में लेस हाइंडर्ड एल्काइल ग्रुप एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि लेस हाइंडर्ड एल्काइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर किसी इथर में एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा एल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है तो उस केस में हमेशा मिथाइल आयोडाइड का ही फॉर्मेशन होगा इसी तरह से अगर हम एक ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर की रिएक्शन एच आई के साथ करवाते हैं तो उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी एल्कोहल ऑप्टेन होता है और उसके कॉन्फिग्रेशन में भी कोई भी चेंज नहीं आता है तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इस रिएक्शन में सेकेंडरी ब्यूटाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इंटेक्ट रहता है या उसका क्लीवेज नहीं होता है ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन देखिए अगर हम आयोडाइड आयन की बात करें तो वो इस मिथाइल ग्रुप पर इजीली अटैक कर सकता है और इस कार्बन की बात करें तो इस पर वो इजीली अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये मोर हाइंडर्ड होता है और इसी वजह से इस रिएक्शन में मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है सिंपली हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में हमेशा स्मॉल एल्काइल ग्रुप ही हेलाइड आयन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जब मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है तो उससे पता चलता है कि ये जो रिएक्टेंट है उसमें एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रजेंट है और इसी वजह से ये रिएक्शन जिसेल मेथड का बेसिस है मीन्स इसी रिएक्शन के बेसिस पर जिसेल मेथड डेवलप किया गया था अब बात करते हैं जिसेल मेथड क्या है तो देखिए इस मेथड का यूज किसी भी इथर में मिथॉक्सी ग्रुप के अस्टिमेशन के लिए किया जाता है अब इसके लिए सबसे पहले नॉन वेट वाले कंपाउंड को एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड एच के साथ ट्रीट करवाया जाता है जिससे मिथाइल आयोडाइड की वेपर्स बनती हैं। अब इन वेपर्स को कोल्ड एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से पास किया जाता है जिससे कि सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट ऑप्टेन होता है इसके बाद इस प्रेसिपिटेट का वेट डिटरमाइन कर लिया जाता है और उसके बेसिस पर मिथॉक्सी ग्रुप का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया जाता है देखिए जैसे अगर हम एनिसोल की रिएक्शन एक्सेस एच के साथ इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो उससे फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है अब इस मिथाइल आयोडाइड को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उससे एजीआई या सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और इस प्रेसिपिटेट का वेट डिटरमाइन करके मेथॉक्सी ग्रुप का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है अब देखिए अगर अनसिमेट्रिकल ईथर में एक एल्काइल ग्रुप टर्शियरी होता है तो उस केस में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनता है और इसमें जो रिएक्शन है वो एस एन वन मैकेनिज्म को फॉलो करती है देखिए एस एन वन मैकेनिज्म में हमेशा कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है और टर्सरी कार्बोकैटाइन हमेशा स्टेबल होता है तो जब ऑक्सोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उससे पहले ही टर्सरी कार्बोकैटाइन बन जाता है और इसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्सरी एल्काइल हेलाइट का फॉर्मेशन होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ लिविस एसिड इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है देखिए ईथर्स की बात करें तो ये जब लिविस एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जैसे अगर डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन बोरॉन ट्राई फ्लोराइड के साथ होती है तो उससे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और यह एक वर्सेटाइल एसिड कैटलिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑटो ऑक्सीडेशन इसमें पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है देखिए जब एलिफेटिक ईथर लॉन्ग टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है मीन्स ईथर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अनस्टेबल परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं अब ये ईथर की एक अनडिजायरेबल रिएक्शन होती है देखिए जब डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ होती है तो उससे डाई इथाइल ईथर परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है अब किसी भी ईथर में परऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ईथर को फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट के मिक्सर के साथ सेक किया जाता है तो इससे रेड कलर ऑप्टेन होता है और रेड कलर के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि ईथर में परऑक्साइड प्रजेंट है या नहीं है देखिए इस रिएक्शन में जब एफी प्लस टू की रिएक्शन ईथर परऑक्साइड के साथ होती है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और एफी प्लस टू एपी प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर इसकी रिएक्शन थायोसाइनेट के साथ होती है तो आयरन थर्ड थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की तो इस रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है मींस डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उससे फाइनली ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है अब ईथर में परऑक्साइड की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती हैं और ये परऑक्साइड नॉन वॉलेटाइल होते हैं अब अगर ईथर का डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके इसमें परऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती हैं और उससे एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है और इसी वजह से जब ईथर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो उसको परऑक्साइड से फ्री करते हैं इसके लिए ईथर को एक्वस फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ सेक किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हेलोजिनेशन देखिए जब डाई इथाइल ईथर का क्लोरिनेशन लाइट की परजेंस में करवाते हैं तो पर ईथर का फॉर्मेशन होता है अगर यही रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में करवाते हैं तो उस केस में सिर्फ हाइड्रोजन्स का ही सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्फा एल्फा डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स देखिए ईथर्स में एरोमेटिक रिंग के साथ जो एल्कोक्सी ग्रुप अटैच होता है वो ऑर्थो और डायरेक्टिंग होता है जैसे अगर हम एनिसोल का नाइट्रेशन करते हैं तो उससे ऑर्थो और, और पेरा नाइट्रो पैरानाइट्रोडिवेटिव का मिक्सर ऑप्टेन होता है ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन